खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से है। रोलोदा राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित छाकड़ को किया पुलिस ने हाउस अरेस्ट में। बता दें भारत बंद का समर्थन करने के लिए बना रहे थे योजना। अग्निपथ को लेकर लगातार अहिंसात्मक तरीके से रोहित छाकड़ जाते रहे विरोध में और सुबह 8 बजे से घर में किया गया पुलिस की कैद में। प्रवक्ता ने कहा कि अहिंसात्मक तरीके से विरोध रहेगा जारी और सरकार अग्निपथ स्कीम को लेकर वापस हिंसा करने वाले छात्रों से अपील ना करे विरोध। युवाओं की मांग जो अग्निवीर योजना को वापस करने की है भारत सरकार की, उसके समर्थन में था। पूरे देश में बंद का ऐलान युवाओं की तरफ से है। हमारा उनके अहिंसात्मक आंदोलन को संपूर्ण समर्थन है और हमारे सहित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी कल राजस्थान में भी थे और हम जब तक संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। सरकार का काम है दमन करना, वो हमें हाउस अरेस्ट करें, हमें जेल भेज दें, लेकिन हमारी आवाज़ को दबा नहीं पाएंगे। ये आवाज़ हजारों हजार युवाओं तक जा रही है, हजारों हजार युवाओं की आवाज़ है। हम तो एक आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं, आखिरी पंक्ति का दमन करने से दमन नहीं होगा। संघर्ष जारी रहेगा, सफलता तक संघर्ष जारी रहेगा और हिंसा का हम विरोध करते हैं, हिंसा का समर्थन नहीं करते। युवाओं को भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है कि अहिंसात्मक आंदोलन को प्रोत्साहित करके अग्निवीर योजना को हम समाप्त कराने का काम करेंगे, जैसे कृषि कानूनों को कराने का काम किया। हिंसा करने वाले, देखिए किसी भी मूवमेंट में कुछ लोग सम्मिलित हो जाते हैं। युवा बड़े धैर्य से, आप एक आज तक की स्टोरी देखेंगे, मैं आपको कहूँ के वीडियो भेज दूंगा, उन्होंने दिखाया कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने मांगे करी राष्ट्रीय केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष कि भाई 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, भर्ती खुलवाइए। और उसके सापेक्ष अब सरकार ने अग्निवीर योजना लागू कर दी। ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और भविष्य युवाओं का नहीं खिलवाड़, ये देश के साथ खिलवाड़ है और देश की अस्मिता से